वेलकम बैक एवरीवन। सो ये सेकंड वीडियो है मेरे इस सीरीज़ में, जिसमें मैं जो भी टूर्नामेंट में स्क्रिप्ट डाली जाती है उसका वॉइस ओवर भी करके दिखाऊंगा। सो ये टूर्नामेंट है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, जहाँ पे सारे ही मेरे वर्कशॉप के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच। एंड आज ये हिंदी की नरेशन स्क्रिप्ट डाली गई थी, जो एक पोर्शन है, एक बहुत ही फेमस बुक है द सीक्रेट, ठीक है ना, उसका हिंदी जो वर्जन है उसका एक छोटा सा पोर्शन उठाया गया और ट्राई करा गया है कि उसको कैसे पढ़ें। तो आप इसको नरेशन भी कह लीजिए या फिर फॉर्म ऑफ ऑडियो बुक भी चल जाएगा। तो ये उसका एक ग्लिम्स है कि मेरे हिसाब से कैसे करा जा सकता है। देखिए, जब भी कोई स्क्रिप्ट आपके सामने आती है तो आपकी जो एक अप्रोच होनी चाहिए, पहली अप्रोच होनी चाहिए कि आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार पढ़ना चाहें, जिससे आपको एक एक चीज़ उस स्क्रिप्ट के बारे में समझ आ जाए उतनी बार पढ़ें। आप स्क्रिप्ट को पढ़ के उसका कॉन्टेक्स्ट जानिए कि भाई किस बारे में है, कैसा मूड रहना चाहिए, कैसी मेरी पिच रहनी चाहिए, इसमें ऑडियंस कौन हो सकती है, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल आपको खुद से पूछने पड़ेंगे। अब जब क्लाइंट के लिए काम है तो आप इनमें से कुछ सवाल क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं ताकि उनके जवाब आप तक पहुँच जाए एंड आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो एज अ आर्टिस्ट, अगर ये स्क्रिप्ट मेरे पास आती है कि इसमें लिखा है कि रहस्य क्या है, ठीक है ना, मिस्ट्री, ये है क्या, और ऑथर ने कुछ बताया हुआ है कि उनके हिसाब से वो क्या चीज़ है, चंद कुछ 7-8 लाइनें हैं बस, और उसी में एक वही हम बोलने की कोशिश करेंगे। अब ये स्क्रिप्ट को जब मैंने पढ़ा तो मेरे हिसाब से शायद इसको दो अंदाज में करा जा सकता है, दो तरीकों में करा जा सकता है। एक, जब इसको थोड़े से मिस्टीरियस वे में बोला जाए, एक इसको बहुत ही नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशनल वे में बोला जाए। तो दोनों ही तरीकों से करने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना, एंड इनका फाइनल आउटपुट भी आपको सुनने में मिलेगा। एंड वीडियो में एंड तक भी बने रहिएगा, क्योंकि इस राउंड में जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा करा था उनमें से दो की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो ट्राई करते हैं कि क्या है स्क्रिप्ट के अंतर। ओके, पहला है कि रहस्य क्या है। अब उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि वॉइस ओवर में मैटर करती हैं, पंक्चुएशंस बहुत ज़रूरी रहती हैं। क्वेश्चन है तो उसको क्वेश्चन की तरह ही बोला जाए, ठीक है ना। अब रहस्य क्या है, इसको अगर मैं नॉर्मल बोलूँ, रहस्य क्या है, ये उतना क्वेश्चन लग रहा है मेरे हिसाब से, थोड़ा और क्वेश्चन वाला टोन इसमें आ सकता है। रहस्य क्या है, ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन। तो आपको एक ही लाइन को मल्टीपल बार दोहरा के समझना पड़ता है कि आप जो कह रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड लग भी रहा है, ठीक है, बिलीवेबल लग भी रहा है, लोग उस पर बिलीव कर सकते हैं, कन्विंस हो सकते हैं आप जो कह रहे हैं नहीं। तो एक एक लाइन बहुत मैटर करती है। लोगों को लगता है कि एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, 7-8 लाइनें हैं, एकदम फटाफट बोलेंगे, काम हो जाएगा। इतना ही आसान काम होता तो आपको वॉइस ओवर्स में एक अच्छा पैसा मिलता है, कैसे मिलता, ठीक है ना, मतलब मेहनत तो लगेगी ही काम करने में। कोई आपको एक्स अमाउंट दे रहा है, उसका उसको बेस्ट आउटपुट चाहिए, ठीक है ना। तो बेस्ट आउटपुट देना में देने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अब पहली लाइन को हमने ट्राई करा कि ठीक है ये क्वेश्चन है, तो हमने क्वेश्चन की तरह बोला। आगे ऑथर का नाम है, ऑथर हैं बॉब प्रॉक्टर, ठीक है ना। तो बॉब प्रॉक्टर को हमने सिंपल बोला, बॉब प्रॉक्टर, ठीक है। अब उसके बाद ये लाइन है कि आप शायद ये सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे। अब ये लाइन में ही ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या होती हैं कि लाइन के अंदर ही कई बार उनके जो टोन रहनी चाहिए वो छिपी हुई होती है। अब अगर ये लाइन में लिखा होता आप शायद ये सोच सोच कर खुश हो रहे होंगे, तो मेरी टोन कैसी रहती, मेरी आवाज़ कैसी रहती, थोड़ी स्माइलिंग, खुश, अरे कीवर्ड निकाला, ठीक है, वैसा करेंगे तो शायद जस्टिफाइड लगेगा। आप शायद ये सोच सोच कर खुश हो रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं से हम अपनी आवाज से थोड़ी सी खुशी जताना चाहेंगे। अब हैरान, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, जब ऐसा हम करते हैं तो हमारे चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन आते हैं, आंखें फट जाती हैं,
ठीक है ना। एक्सप्रेशन जब आपके चेहरे पे नहीं आएंगे, आवाज में भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। आप शायद ये सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे, आप शायद ये सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसको इस अंदाज में करा, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल आप शायद ये सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे, इसके मैंने थोड़ा सा पिच टोन डाउन करी, थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप ट्राई करते हैं। आप शायद ये सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अलग आप टच भी दे सकते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में है, आखिर ये रहस्य है क्या। अब ये क्वेश्चन भी है और ये एक डायलॉग भी है, तो आपको इसको प्रेजेंट करना है। आखिर ये रहस्य है क्या, 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 ठीक है ना, थोड़ा सा आपने उसको डीप बोलने का ट्राई करा। आखिर ये रहस्य है क्या, अलग अंदाज में आपने ट्राई कर लिया। मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है, अब मेरे पे मैंने जरा सा स्ट्रेस दिया, मैं बस बताना चाहता हूं कि दिस इज माय ओपिनियन, ठीक है ना, ये मेरा सोच है, मेरी सोच है, इसको मैं इस तरह से समझता हूं। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। अच्छा, असीमित यानी कोई सीमा ना हो, तो मे बी मेरी आवाज से झलकना चाहिए ये चीज। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं, हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं, एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब इसको एक फ्लो में अगर बोला जाए तो पिछली और अगली लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए, हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं, एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उस लाइन को एंड किसी और तरह करा, इस लाइन को एंड किसी और तरह करा। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है, ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित भी कर सकते हैं। भी तो नहीं था, मैंने लगा दिया, भी नहीं लगाना चाहिए था, बट अब देखिए क्या होता है, एक एक स्क्रिप्ट पढ़ने में आप भले नए हैं या आप भले 20 साल पुराने हैं, गलतियां होंगी होंगी, ठीक है ना, डेफिनेट बात है, बस विद प्रैक्टिस आपकी गलतियां काफ़ी कम हो जाएंगी। तो ये है कि एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के देखने में समझ आता है कि जस्टिफाइड है या नहीं, फिर वो लाइन को दोबारा बोलिए, फिर वो लाइन को दोबारा बोलिए, जब बेस्ट लगे उसको रखिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 10 लाइनें हैं तो 10 लाइनों को आपने 10 बार बोल के 100 लाइनें बोलनी है, कभी कभी एक बारी में ठीक लगता है, अच्छा है, बढ़िया, बट मोस्टली क्या होता है कि मतलब मेरा मानना है आपको अपनी जो टेक है उससे इतनी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, एफर्ट उसमें डालने चाहिए, ठीक है ना। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहां रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है, इसका नाम आकर्षण है। अलग तरीके से बोल दिया, ठीक है ना, तो जो आपको सूट करे। तो ये एक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए आपका अप्रोच भी रहना चाहिए, एंड अब आप इसका एक मेरा वर्जन सुन लीजिए कि कैसा लगता है मुझे, क्या हो सकता है, ट्राई करूंगा, एक दो देता हूं, सुनिए। रहस्य क्या है, बॉब प्रॉक्टर। आप शायद ये सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे, आखिर ये रहस्य है क्या। मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं, एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं
कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहां रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर, आप शायद ये सोच कर हैरान हो रहे होंगे, आखिर ये रहस्य है क्या? मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहां रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। हाँ जी, तो आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा जो मैंने जिस तरह से बोला। एंड ऐसे ही और वीडियो ज़रूर आपके लिए लाते रहेंगे। आपको वॉइस ओवर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, बेझिझक पूछिए। मैं भी हेल्प करूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड ये कम्युनिटी बनाते रहेंगे कि वॉइस ओवर्स पे जो जिसकी हेल्प कर सके वो ज़रूर करें। रेस्ट, आपको कुछ और जानना है, वर्कशॉप के बारे में भी जानना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लस ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन होगा, दबा दीजिए, क्या जाता है। एंड कमेंट करिए आपको कुछ भी पूछना है तो उसके बारे में। प्लस दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो में एक लाइक डिसलाइक बटन है, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर दीजिए, पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, मेहरबानी। एंड बाकी इस आउट्रो तो अब ख़त्म हो गया है, इसके बाद आप वो जो दो स्टूडेंट्स की बात कर रहा था उनके भी ऑडियो सुन लेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के बाद, वीडियो में, सॉरी, बाय बाय। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर। आप शायद ये सोच कर हैरान हो रहे होंगे, आखिर ये रहस्य है क्या? मैं आपको बताती हूं कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहां रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर। आप शायद ये सोच कर हैरान हो रहे होंगे, आखिर ये रहस्य है क्या? मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहां रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है।